जन्नत का मेवा, जन्नत का फल, अगर कुरान में या अगर हमारी होली बुक्स में किसी चीज़ का जिक्र है तो हम लोग को डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें वो खाना ही चाहिए। मैं आपसे हमेशा ये बात बताती रहती हूँ कि जितनी पुरानी चीज़ों पे और पुराने बुजुर्गों की बात मानोगे उतना ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। हम लोग सर्जरीज, ड्रग्स को अवॉइड कर सकते हैं। चलिए आपको एक टिप देते हैं। अगर आपका खून कम रहता है, अगर आपके मेल फर्टिलिटी या फीमेल फर्टिलिटी को कंसर्न आप समझते हैं कि है आपको, उसके अलावा पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, आपका हार्ट हेल्थ, अनीमिया, बेसिकली मैं इस पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। हम लोग अपने पेशेंट को जो अनीमिक है उनको ज़रूर देते हैं, और अगर किसी में भी एनर्जी नहीं रहती है, स्किन अच्छा नहीं है तो लेना ही चाहिए। बेसिकली प्रीबायोटिक है ये। तो आपको अगर कोई और कंसर्न्स नहीं भी है तो भी आपको अपने दिन की शुरुआत इससे करनी है। कैसे? आपको एक अंजीर लेनी है, सूखी हुई अंजीर ले सकते हैं, मैं सेमी ड्राइड खरीदती हूँ हमेशा, उसको भिगो दें रात को और सुबह आपको उसको खाना है या पानी भी आप पी सकते हैं।